शर्मा और आप मेरे साथ हैं हिस्ट्री फॉक्स चैनल पे। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोगरा रूल। ओके, सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, सो डोगरा रूल कैसे एस्टैब्लिश हुआ? डोगरा रूल एस्टैब्लिश हुआ दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई? 16 मार्च 1846। सो दिस इज अ गोल्डन डेट इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है, जो आज की डेट में दैट इज यूनियन टेरिटरी, प्रीवियसली इट वॉज अ स्टेट, सो दिस स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज अ लैंडमार्क और इट वॉज हिस्टोरिकल, इट वॉज यू कैन दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड वट वुड बी द अप्रोच। हमारी अप्रोच क्या होगी डोगरा रूल को समझने के लिए और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डोगरा रूल के लिए? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पंजाब आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की डेथ जो है हुई थी 1839 में, 39 में डेथ हुई थी। ओके, सो देन देर वॉज अ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, दो एंग्लो सिख वॉर हुई है एंड देर वॉज अ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई। ट्रीटी ऑफ लाहौर से ही एक और ट्रीटी साइन हुई, दैट वॉज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ डोगरा रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो 16 मार्च स्टार्ट हुई थी, 16 मार्च 1846। ओके, सो देन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज कंसिडर्ड टू बी अ सेल डीड। सो इट इज अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल ट्रीटी। इट इज कंसिडर्ड टू बी कंट्रोवर्शियल ट्रीटी बाय सम ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस। ओके, सो व्हाई इट वाज कंसीडर्ड एज अ सेल डीड? इसको सेल डीड क्यों बोला जाता है? व्हाई ब्रिटिश डिडंट रूल कश्मीर डायरेक्टली? ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को डायरेक्टली रूल क्यों नहीं किया? ब्रिटिशर्स कहाँ से आए, अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो दिस वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ पंजाब आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। ओके, आफ्टर डेथ ऑफ रणजीत सिंह इन 1839, देर वॉज सीरीज ऑफ वीक सक्सेसर हु कुड नॉट होल्ड द एम्पायर इंटैक्ट। रणजीत सिंह वॉज सक्सीडेड बाय खड़क सिंह, शेर सिंह, नो निहाल सिंह एंड दिलीप सिंह। सो वेन पंजाब वॉज कनकर, दिलीप सिंह वॉज द रूलर। सो दिलीप सिंह जो है ही वॉज द लास्ट महाराजा ऑफ पंजाब। अंडर रंजीत सिंह देर वॉज राइज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबिलिटी। जब रंजीत सिंह ने रूल किया था 1791 से लेके 39 तक, तो इसके टाइम पीरियड में अलग अलग जो है, अलग अलग आप बोल सकते हो, अलग अलग नोबल्स का राइज हुआ, नोबिलिटी का राइज हुआ, अलग अलग फैक्शंस का राइज हुआ, लाइक सिंधन वालिया, आहू वालिया, सरदार। सरदार का मतलब यहाँ पे नोबल्स हैं और ऑफिशियल्स हैं, और डोगरा सरदार्स, सिंहपुरिया सरदार और सिंहपुरिया नोबल्स एटसेट्रा। एंड ऑफ कोर्स देयर वर म्यूचुअल जेलसी अमंग दीज नोबल्स। सो इट वाज कॉमन, ये सारा कॉमन था। इवन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, इवन मुगल एम्पायर के लेटर पार्ट में और आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, हम डिस्कस करते हैं कि मुगल नोबिलिटी बड़ी अलग अलग कंपोजिशन है, जैसे तुरानी है, ईरानी है, अफगानी है, हिंदुस्तानी है, तो आपस में इनकी बहुत ज्यादा म्यूचुअल जेलसी थी। तो लाइक वाइज इन द स्टेट ऑफ रणजीत सिंह और अंडर द टाइम पीरियड ऑफ रणजीत सिंह देर वॉज राइज ऑफ अलग अलग नोबिलिटी है, जिसमें सिंधन वालियां हैं, आहू वालिया हैं, डोगरा सरदार्स हैं। डोगरा दैट इज स्पेसिफिक करके जम्मू कश्मीर के थे और हिली ट्रेन से आते थे। ओके, सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दिलीप सिंह, जो लास्ट महाराजा है इसके टाइम पीरियड में, दिलीप सिंह का टाइम पीरियड ये है, द एक्चुअल कमांड जो है रंजीत दिलीप सिंह के टाइम पीरियड में उसके मदर के पास थी, महारानी जिंद कौर। ओके, सो जिंद कौर भी बोलते हैं इसको और रानी जिंदन भी बोलते हैं। ओके, सो रानी जिंदन और रानी जिंद कौर, ठीक है। एंड जिंद कौर गेव अनड्यू सपोर्ट टू जवाहरमल एंड लाल सिंह। लाल सिंह जो है वो कमांडर इन चीफ भी था, इनिशियली ही वाज वजीर, जवाहर सिंह वाज अ वजीर। सो अनड्यू क्रेडिट दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, जिंद कौर जो है, लाल सिंह और जिंद कौर जो है आपस में दे वर वेरी क्लोज। ओके, सो रानी जिंदन और जिंद कौर जो है एंड लाल सिंह जो है वेरी क्लोज। सम स्कॉलर सेज के रानी जिंद कौर का अफेयर था लाल सिंह के साथ। ओके, सो लेट इट बी, होना है तो होने दो, अच्छी बात है। ओके, सो रानी जिंद कौर नेवर सपोर्टेड डोगरास, डोगरास को पसंद नहीं करती थी ये, नेवर सपोर्टेड डोगरास, हेंस देवर साइड लाइन। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पीरियड के बाद जो है आपके जो डोगरा सरदार्स हैं, जिसमें आपका जो है ध्यान सिंह है, जिसमें गुलाब सिंह है, ऑफकोर्स देर आर सो मेनी अदर्स जैसे जोरावर सिंह है, सो दे रिमेन साइड लाइन। और धीरे धीरे रणजीत सिंह के बाद जो है ये साइड लाइन होते गए। ओके, सो
So this is, let me click. Let us discuss how the first एंग्लो सिख वॉर. ओके, एंग्लो सिख, सिंह लिख दिया है मैंने, एक बात. ओके, एंग्लो सिख वॉर. सो प्रीवियसली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रणजीत सिंह के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर. सो देर वर टू ट्रीटीज ऑफ अमृतसर. वन ट्रीटी ऑफ अमृतसर स्पेसिफिक जो है इट डील्स विद जम्मू एंड कश्मीर, एंड अदर ट्रीटी जो है इट वॉज साइन बिटवीन महाराजा रणजीत सिंह एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो अकॉर्ड इस दिस ट्रीटी हैज मैनी प्रोविजन, एंड वन ऑफ द प्रोविजन जो था वो ये था कि उन्होंने बोला कि रिवर सतलुज जो है वॉज फिक्स्ड एज अ बाउंड्री बिटवीन द टू पावर्स. सो रिवर सतलुज जो है ये रणजीत सिंह और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में जो है वो क्या रहेगी, एज अ बाउंड्री रहेगी. ओके, सो ये बीच में आता है इसलिए बता रहा हूँ. तो व्हाट वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के इवेंट्स कौन कौन से हैं? देयर वाज पॉलिटिकल क्राइसिस आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह इन द पंजाब स्टेट. आर्मी वॉज नॉट सेटिस्फाइड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रानी जिंदन कौर. द इंग्लिश वर नो साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ दीज अफेयर्स इन पंजाब. दे वर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू टेक एनी एडवांटेज. एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि ब्रिटिशर जो हैं पंजाब में जो हैं दे इंटरफेयर इन 1840s. इससे पहले ब्रिटिशर्स ने जो है दूसरी मेजर पावर्स को जो है वो सबड्यू कर चुके थे. नाउ देर इज ओनली वन पावर विच नीड टू बी सबड्यूड, दैट वॉज पंजाब. दे सबड्यूड बंगाल, दे सबड्यूड मैसूर, दे सबड्यूड मराठास, हैदराबाद, अवध. सो मेनी पावर्स वर सबड्यूड और दे वर कैप्चर्ड. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश हैड अ सीक्रेट कॉन्टैक्ट विद नोबल्स, विद द प्रोमिनेंट नोबल्स लाइक गुलाब सिंह. गुलाब सिंह के साथ ऑलरेडी कॉन्टैक्ट थे, तेज सिंह के साथ कांटेक्ट थे, इवन लाल सिंह के साथ भी कांटेक्ट थे जो बड़ा क्लोज था रानी जिंदन कौर के. सो देर वॉज म्यूचुअल डिफरेंसिस बिटवीन द नोबल्स इन पंजाब. और इसका फायदा किसने लिया? इसका फायदा लिया अंग्रेजों ने. आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध इंग्लिश आर्मी जो है वो ऑलरेडी पंजाब के आगे पीछे इकट्ठी थी. देवर असेंबल एट करनैल, करनाल, करनाल आपका वहां पे आया हरियाणा में है, फिरोजपुर. ऑल वर मोटिवेटेड बाय इम्पीडिंग वॉर अगेंस्ट देम. सो एवरीवन वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ कोर्स दे वर गिवन अपॉर्चुनिटी. द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर, वॉर का स्पेलिंग लिखा हुआ देख लेना. द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर वॉज क्रॉसिंग ऑफ द रिवर सतलुज. ओके, वॉज कंसिडर्ड एज द मेन रीजन. द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर वॉज वॉज ओके वॉर नहीं है वॉर ही वॉज द क्रॉसिंग ऑफ रिवर सतलुज. इट वॉज कंसिडर्ड, ये थोड़ा सा देख लेना, ये अंग्रेजी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. कंसिडर्ड एज अ मेन रीजन ऑफ ब्रिटिश हिस्टोरियन, बट एक्चुअल वॉज देयर पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म. कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ब्रिटिश स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि रिवर सतलुज जो है वो सिखों ने क्रॉस की, तो जिसकी वजह से जो है इट बिकेम अ प्रोमिनेंट रीजन. इट वॉज अ वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर. जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी उसमें बोला गया था कि भाई रिवर सतलुज नहीं क्रॉस करेंगे, इट वुड एक्ट एज अ बाउंड्री. बट सम स्कॉलर सेज दैट इट वॉज जस्ट एन एक्सक्यूज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक्चुअल कॉज वॉज देयर पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, दे वर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड फाइनली वॉर होती है, द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है विच टुक प्लेस एंड सिक्स वर डिफीटेड. सिक्स वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश. ओके, सिक्स वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश. इंग्लिश की जो है जीत होती है एंड सिक्स की जो है वो डिफीट होती है. ओके, सो दिस वॉज द कोर्स ऑफ द वॉर. ये कोर्स ऑफ द वॉर है, लेट मीट, मैं मुझे सेंटर में रहने दो. ओके, सो हाउ वाई एंड उसके बाद क्या हुआ, सो लेट अस स्टार्ट. ओके, कौन 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 सी चीज हुई? सो ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो आपकी 1845 से लेके 46 तक रही, इस वॉर के दौरान जो है देर वॉज प्रोमिनेंट स्मॉल स्मॉल बैटल्स वर फॉट लाइक बैटल ऑफ फिरोजपुर, बैटल ऑफ सबरऊं. बैटल ऑफ सबरऊं जो है इट वॉज द डिसाइसिव बैटल, मोस्ट प्रोमिनेंट. ये छोटी छोटी बैटल्स हैं, ये हम बाद में इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे. वाई सिक्स वर डिफीटेड? इनडिसिप्लिन अमंग द खालसा आर्मी एंड ग्रोइंग वीकनेसेस. ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह, लाल सिंह की ट्रेचरी, लाल सिंह का लिखा हुआ लाल सिंह एंड तेज सिंह. गुलाब सिंह अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर. गुलाब सिंह ज्वाइंड इन लेटर स्टेजेस अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स और अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ऑफ पंजाब रीजन, दे ब्लेम्ड गुलाब सिंह फॉर द डिफीट ऑफ द सिक्स. दे सेड कि गुलाब सिंह ने लेटर स्टेजेस में ज्वाइन किया. कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं गुलाब सिंह ने नहीं ज्वाइन किया, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं गुलाब सिंह को जब ज्वाइन करना चाहिए था सिख फोर्सेस को उसने ज्वाइन नहीं किया. ही वॉज लुकिंग फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम. सो गुलाब सिंह ज्वाइन इन द लेटर स्टेजेस एंड ऑल्सो मेड अ सीक्रेट पैक्ट विद इंग्लिश. इंग्लिश के साथ ऑलरेडी सेटिंग कर चुका था गुलाब सिंह. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑफकोर्स इंग्लिश वर बेटर इक्विप्ड विद आर्म्स एंड एमिनेशन. इंग्लिश के पास हर एक चीज, हर लिहाज से इंग्लिश पर बेटर. लाल सिंह एंड तेज सिंह
बैटल से ही भाग गए, दे फ्लेड फ्रॉम द फाइनल बैटल्स, दैट इज लाल सिंह और तेज सिंह जो है वो दोनों भाग गए। सो व्हेन द सिक्स वर डिफीटेड, सो देयर वाज ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ओके, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई 9 मार्च 1846। लाहौर वॉज द कैपिटल ऑफ पंजाब स्टेट। सो ऑल क्लेम साउथ ऑफ रिवर सतलुज वर लॉस्ट बाय द पंजाब स्टेट एज इट इज, ये पहले भी था। दे वर फोर्स टू पे 1.5 करोड़ एज अ वार इंडेमनिटी। ओके, सिख एम्पायर को बोला गया कि इतना जो है हर्जाना भुगतो, जमा करो, पैसे दो, फाइन दो। सिख्स आल्सो लॉस्ट हिली टेरिटरीज इंक्लूडिंग जालंधर, दुआबेरिया, ये भी उनके हाथ से निकल गया। एंड फाइनली अ ब्रिटिश रेजिडेंट जो है ही वॉज अपॉइंटेड एट लाहौर दरबार, ही वॉज कैप्ट एट लाहौर। ओके, हेनरी लॉरेंस जो है ही वॉज द फर्स्ट रेजिडेंट। सो इसका उसके बाद क्या हुआ, द पंजाब स्टेट अनेबल टू पे एंटायर अमाउंट ऑफ मनी। इन्होंने बोला इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, 1.5 करोड़ इट्स अ बिग अमाउंट, नहीं दे सकते। दस दे सरेंडर सर्टेन टेरिटरी टू द इंग्लिश। नाउ दिस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक और ट्रीटी साइन की ठीक एक हफ्ते के बाद, एग्जैक्टली आफ्टर द 1 वीक, दैट इज 16th of March। सो द ब्रिटिशर्स साइन अनदर ऑक्सिलरी ट्रीटी, और साथ में एक जिसको बोल सकते हैं सपोर्टिंग ट्रीटी विद गुलाब सिंह, विच वॉज नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन की गई। ओके, सो व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई कब, 16 मार्च को। गुलाब सिंह इनिशियली ही वॉज द राजा ऑफ जम्मू, राजा ऑफ जम्मू इसको अपॉइंट किया गया था, किसने अपॉइंट किया था, रणजीत सिंह ने किया था 1824 में, कई किताबों में 26 भी लिखा हुआ है। ओके, ही वॉज जस्ट अ राजा ऑफ जम्मू। ओके, सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है वो साइन होती है 16 मार्च 1864 में। ओके, सो साइन कौन करता है, ऑन वन साइड देर वॉज गुलाब सिंह, ब्रिटिशर के तरफ से दो आदमी आते हैं, दैट वॉज फ्रेडरिक क्यूरी बर्नेट एंड मेजर लॉरेंस। इनको भेजता कौन है, इनको हेनरी हार्डिंग भेजता है। हेनरी हार्डिंग जो है एट दैट टाइम ही वाज़ द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंग्लिश का गवर्नर था कहाँ पे, इंडिया में। सो हेनरी हार्डिंग जो है ही वाज़ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम और ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अपने दो आदमी को भेजता है, फ्रेडरिक क्योरी को और मेजर लॉरेंस को। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट किसने साइन की थी, एंड ऑन द पार्ट ऑफ द यू कैन से दैट जम्मू एंड कश्मीर, ऑन द पार्ट ऑफ अदर साइड देर वॉज गुलाब सिंह, ही वॉज राजा, सिंपली राजा ऑफ जम्मू। एंड आफ्टर द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही बिकेम द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बन जाता है, राजा तो था ही था, मतलब ही वॉज जमींदार तो था ही था, उसको जो है जमींदार, उसको जागीरदार, जागीरदार तो था ही था। ये किसने दी थी उसको जागीर, रणजीत सिंह ने दी थी 1824 में। ओके, सो गुलाब सिंह की बात की जाए तो गुलाब सिंह वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ही वॉज वेरी कनिंग, ही वॉज वेरी क्लेवर। ओके, तो इसका राइज जो है सिंपल एक घुड़सवार जो है स्पेशली एक ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ सवार। ओके, सो एक घुड़सवार के कैरियर स्टार्ट किया, देन ही बिकम राजा एंड देन ही बिकम महाराजा ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ एट दैट टाइम। ओके, सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है और जो आपका जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है, और गुलाब सिंह की ने जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो फाउंड की, आर यू कैन से दैट ही बिकम द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1846 में, इसकी रूट्स जो हैं कहीं ना कहीं जो है आपकी पंजाब स्टेट में है। ओके, सो पंजाब स्टेट में है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है 45-46, सिख हार गए, बड़े सारे रीजन थे, बड़े सारे लोगों ने साथ नहीं दिया, गुलाब सिंह को भी ब्लेम किया जाता है, तेज सिंह को भी ब्लेम किया जाता है, लाल सिंह को भी ब्लेम किया जाता है कि जो है दे ज्वाइन द ब्रिटिश फोर्सेस, दे मेड अ ट्रेचरी अगेंस्ट द सिख एम्पायर, सिख खालसा आर्मी जो है इट वॉज नॉट सो डिसिप्लिंड आर्मी, एंड फाइनली जो है सिख्स वर फोर्स टू पे अ ह्यूज वॉर इंडेमनिटी अंडर द ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो है उनको बहुत ज्यादा एक मुआवजा जो है जुर्माना जो है वो दिया जाता है, दैट वॉज 1.5 करोड़। तो वो इंग्लिश सिख्स जो है दे सेड कि वी आर नॉट एबल टू प्ले दिस पे दिस ह्यूज अमाउंट, सो वट दे डिड, दे सरेंडर सर्टन टेरिटरीज, कुछ पहाड़ी एरिया जो है वो सरेंडर करते हैं, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है ब्रिटिशर्स वर लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव की तलाश में थे, और ठीक जो है एक हफ्ते के बाद जो है उनको अल्टरनेटिव मिलता है, किसकी तलाश में, गुलाब सिंह के रूप में 1846 में जो है वो क्या करते हैं, एक ट्रीटी और साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और जितना भी पहाड़ी एरिया जो है वो गुलाब सिंह को दे दिया जाता है अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846। तो दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस डिस्कस द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के क्या क्या प्रोविजन हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे।
ओके सो स्टार्ट विद आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर एंड मेक्स ओवर फॉर एवर। सो क्या करते हैं? ट्रांसफर, मेक ओवर एंड फॉर एवर इंडिपेंडेंट पोजेशन टू महाराजा गुलाब सिंह और उसके जो सक्सेसर हैं, मेल हेयर हैं, ऑल द हिली माउंटेनियस कंट्री अ रीजन विद इट्स डिपेंडेंसीज सिचुएटेड ईस्ट ऑफ रिवर इंडस। नाउ सी, सो दिस इज इंडिया से सपोज, सो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, लेट इट बी जम्मू एंड कश्मीर है, तो दिस इज रिवर इंडस, रिवर इंडस जो है, और ये रिवर सतलुज है। ओके तो उन्होंने बोला कि ये एरिया जो है आप सबको जो है गुलाब सिंह को दे दिया जाता है। ये वाला जो एरिया है लेटर स्टेजेस में, ये जो एरिया है जो लेटर स्टेजेस में गुलाब सिंह खुद कंकर करता है, ये वाला एरिया भी जो है लेटर स्टेजेस में गुलाब सिंह खुद कंकर करता है। ओके इंक्लूडिंग दैट इज अ चंबा, चंबा एंड लाहौर, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग चंबा और लाहौर को छोड़ के। ओके सो दिस वाज द फर्स्ट प्रोविजन के एरिया सारा जो है वो दे दिया गया। ओके एंड ये आर्टिकल 4 के साथ इकट्ठा पढ़ा जाता है इस आर्टिकल को। नंबर टू ये है कि जो ईस्टर्न बाउंड्रीज है जो गुलाब सिंह को दी गई उसके ऊपर क्या किया जाएगा? एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द महाराजा गुलाब सिंह, सो दैट कि एक डिफाइंड सेपरेट एंगेजमेंट हो आफ्टर द सर्वे। मतलब बाउंड्री कौन सी है ये ड्रॉ की जाएगी, ये आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 3 जो है यहाँ पे पैसों की बात की गई। आर्टिकल 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर मेड टू हिम एंड हिज सक्सेसर बाय द प्रोविजन ऑफ फॉरगोइंग आर्टिकल्स, महाराजा गुलाब सिंह विल पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट एन अमाउंट ऑफ 75 लाख रुपीज, 7 मिलियंस, हाफ, 7.5 मिलियन, 7.5 मिलियंस। ओके दैट इज 75 लाख रुपीज जो है इट वॉज गिवन बाय ब्रिटिश, बाय गुलाब सिंह टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके दैट वॉज अ नानकशाही, दैट वॉज करेंसी वॉज नानकशाही। ओके तो गुलाब सिंह ने क्या किया? कुछ पैसे जो है एडवांस दिए और कुछ पैसे जो है वो बाद में सेटलमेंट होने के बाद में दिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कश्मीर का जो आपका गवर्नर था उस टाइम पीरियड में, अफगान गवर्नर दैट इज इमामुद्दीन, ही मेड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स फॉर गुलाब सिंह, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके एंड आर्टिकल 4 जो है, द लिमिट्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ महाराजा गुलाब सिंह शैल नॉट बी एट एनी टाइम चेंज्ड विदाउट द कंकर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो फर्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल फर्स्ट ये है कि रिवर इंडस से ईस्टवर्ड और सतलुज के साउथवर्ड जो है ये जो एरिया दिया जाता है गुलाब सिंह को, ये टेरिटरी जो है विदाउट द कंसेंट, इसकी अल्टरेशन, कंसल्टेशन, इनक्रोचमेंट, ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के इजाजत के बगैर नहीं हो सकती। इट वॉज अ काइंड ऑफ बाइंडिंग फॉर द गुलाब सिंह कि गुलाब सिंह की जो इंपीरियलिज्म है इट वुड बी चेक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो आर्टिकल 5 जो है, आर्टिकल 5 ये कहता है गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह विल रेफर टू द आर्बिट्रेशन, मतलब इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है गुलाब सिंह का और दूसरी स्टेट के साथ, लेट इट बी गुलाब सिंह एंड विद द रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश और विद द रूलर ऑफ पंजाब और विद द रूलर ऑफ काबुल, एनीवन, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? दे वुड बी द फाइनल, यू कैन से दैट फाइनल आर्बिट्रेरी पावर जो है, दे वुड एक्ट एज एन आर्बिट्रेरी पावर। मतलब कोई भी डिस्प्यूट होता है, क्वेश्चन जो है उसके रिलेटेड या गवर्नमेंट ऑफ लाहौर के रिलेटेड कुछ भी होगा, तो गुलाब सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात जो है वो माननी पड़ेगी। ऑल्दो ही बिकम महाराजा बट एट द सेम टाइम जो है ही वॉज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही अंडर रहेगा वो। ओके सो वो उसकी मर्सी पे ही रहेगा गुलाब सिंह, मतलब उसकी अकाउंटेबल रहेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई भी टेरिटरी आगे पीछे करने के लिए। देन आर्टिकल 6 ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, महाराजा गुलाब सिंह इंगेजिस हिमसेल्फ एंड हिज सक्सेसर टू ज्वाइन द होल ऑफ हिज मिलिट्री फोर्स वेन एवर देर इज अ नीड। ओके ब्रिटिश ट्रूप्स वर एम्प्लॉयड विद इन द हिल्स आर टेरिटरी एट ज्वाइनिंग द पोजिशन। कहने का मतलब ये है कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है महाराजा गुलाब सिंह की जरूरत पड़ेगी, जब भी देर वुड बी अ नीड अराइज, गुलाब सिंह हैड टू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन यू वुड बी सरप्राइज टू नो इट 1857, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ, जिसको कुछ हिस्टोरियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, उस टाइम पीरियड में महाराजा गुलाब सिंह जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का उसने साथ
साथ दिया। महाराजा गुलाब सिंह सील द बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो अगेन इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग। ओके, सो आर्टिकल 7, दैट इज महाराजा गुलाब सिंह नेवर टेक अ सर्टन रिटेन हिज सर्विस ऑफ ब्रिटिश सब्जेक्ट नॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनी यूरोपियन अमेरिकन स्टेट। अगेन ये भी बोला गया कि महाराजा कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, महाराजा गुलाब सिंह कोई भी रिक्रूटमेंट, कोई भी फॉरेन रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो लाइक द अदर स्टेट्स, तो दैट वाज एक ब्रिटिशर्स वे बैक इन 1799 दे इंट्रोड्यूस अ वन पॉलिसी, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ओके, तो सब्सिडरी अलायंस में इन्होंने क्या किया था, इंडियन स्टेट को सबड्यू किया था। सो कुछ प्रोविजन जो है वो यहाँ पे भी हैं, जैसे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वो कहीं पे भी जो है रिक्रूटमेंट नहीं करेगा यूरोपियन, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमेशा डर रहता था किससे, फ्रांस गवर्नमेंट से रहता था कि फ्रेंच सोल्जर जो है वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वे बैक वेन बोथ यू कैन से दैट कंपनीज अराइव्ड इन इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज वेरी पावरफुल, सो देर वॉज म्यूचुअल कॉम्पिटिशन वॉज देयर, ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन वॉज देयर, एंड ऑफकोर्स देर वॉज अ कॉम्पिटिशन फॉर द कॉलोनीज एज वेल। ओके, तो गुलाब सिंह जो है ब्रिटिश की कंसल्ट के बगैर कोई भी ना कोई रिक्रूटमेंट करेगा ना कोई रिटेंशन करेगा, ये उसको सब कुछ ब्रिटिशर्स से पूछना पड़ेगा। ओके, देन आर्टिकल 8, महाराजा गुलाब सिंह एंगेजेस टू रिस्पेक्ट इन रिगार्ड टू द टेरिटरी ट्रांसफर टू हिम द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 ऑफ द सेपरेट इंगेजमेंट बिटवीन ब्रिटिश एंड लाहौर दरबार डेटेड। तो जो है महाराजा गुलाब सिंह जो है ये जो उसको टेरिटरी ट्रांसफर की गई, इन एडिशन टू दिस ही मस्ट रिस्पेक्ट आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 एंड आर्टिकल 7। मतलब कोई भी जो है अपनी टेरिटरी को बढ़ाना घटाना जो है ये ब्रिटिशर्स की कंसेंट के साथ, कोई भी जो है आपकी जो रिटेंशन रिक्रूटमेंट जो है ये ब्रिटिश कंसेंट से, और जो सबसे बड़ी बात जो है कोई भी अगर डिस्प्यूट रहेगा वो जो है वो ब्रिटिशर्स ही सॉल्व करेंगे, महाराजा इंडिपेंडेंटली वहां पे बिहेव नहीं कर सकता। सो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है इट वॉज साइन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्योरली फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए था, दे वर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु यू कैन से दैट हु प्रोटेक्ट द हिली ट्रैक्ट्स और हु प्रोटेक्ट दिस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, एट द सेम टाइम दैट पर्सन मस्ट बी शुड बी और वुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन। सो वो ऐसे आदमी की तलाश में थे, कोई ऐसा आदमी मिल जाए, और उनको किस में मिला, गुलाब सिंह जो है ही वॉज अ रेडीमेड पर्सन। देन अगेन आर्टिकल 9, ब्रिटिश गवर्नमेंट विल गिव इट्स एड टू महाराजा इन प्रोटेक्टिंग हिज टेरिटरी फ्रॉम एक्सटर्नल एनिमीज, कि भाई कोई भी अगर एक्सटर्नल थ्रेट होगी तो उसकी थ्रेट को पूरा उसको से निपटने के लिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी, दे विल प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट, सारी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगी। कहने का मतलब ये है कि गुलाब सिंह का दुश्मन ब्रिटिश गवर्नमेंट का दुश्मन, आर द एनिमीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इज द एनिमी ऑफ गुलाब सिंह, द फ्रेंड्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट द फ्रेंड्स ऑफ गुलाब सिंह, वाइस वर्सा समटाइम इज नॉट ट्रू। ओके, सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, के एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेंगे, इंटरनल जो है वो गुलाब सिंह ही है। इंटरनल कोई रिवोल्ट होता है, कोई थ्रेट आती है, कोई अपराइजिंग है, कोई रेबिलियन है, वो गुलाब सिंह को जो है वो पूरी इजाजत है, वो जिस तरीके से मर्जी देखे। लेटर ऑन जो है इसको जब 1931 और 1934 में जो है ब्रिटिशर्स इंटरफेयर करते हैं, लेटर ऑन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रताप सिंह जो है ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट किया जाता है, सो दैट इज द सेपरेट स्टोरी इन द लेटर स्टेजेस। ओके, एंड द फाइनली गुलाब सिंह एक्नोलेजेस the supremacy of the British government and will in token of such acknowledgement or supremacy present annually to the British government one horse, 12 perfect shawl goats of approved breed and 3 pair of Kashmiri shawl. So it was a kind of, you can say that token of respect आर टू एक्नॉलेज द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हर एक साल जो है गुलाब सिंह क्या करेगा, एक घोड़ा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है वो नजर करेगा घोड़ा। देन नंबर 2, 12 गुड ब्रीड्स ऑफ गोट्स, ठीक है, एक अच्छी नस्लदार जो है बकरियों का जोड़ा जो है वो देगा, 6 बकरियां 6 बकरे। ओके,
देन ओवर थ्री पेयर्स ऑफ कश्मीर शॉल्स, ऑफकोर्स पश्मीना शॉल। तो ये क्यों रखा गया था? इट वॉज अ काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस, और इट वॉज काइंड ऑफ एक उसको याद दिलानी थी कि यू आर अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। इट वॉज अ टोकन ऑफ लॉयल्टी, ओके, इट वॉज अ टोकन ऑफ लॉयल्टी, इट वॉज एक्नॉलेजमेंट, अ टोकन ऑफ लॉयल्टी, अ टोकन ऑफ सुप्रीमेसी। ये गुलाब सिंह को जो है शर्तें माननी ही माननी है। सो दिस वॉज द, यू कैन से दैट, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च को साइन हुई। आर्टिकल 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के अंडर जो है 75 लाख रुपीज जो है वो पे करने पड़े। 4 इज इंपॉर्टेंट, 5 इज इंपॉर्टेंट एंड 6 इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो एंड फाइनली जो है साइन हुई ट्रीटी बिटवीन फ्रेडरिक क्यूरी और ब्रेविट मेजर हेनरी लॉरेंस के बीच में साइन हुई, ओके। सो ऑन द गुलाब सिंह ऑन द वन साइड एंड दिस मैन वॉज ऑन द अदर साइड, सो ओवरऑल जो है ये इसके बिहाफ पे जो है ये साइन हुई, ओके। और साइन कब हुई? 16 मार्च को साइन हुई 1846 में, ओके। सो लेट अस नाउ सी, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू कैन से दैट ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है इट रिमेन अ सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर सो मेनी ईयर्स, एंड ऑफ कोर्स इट इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। सम स्कॉलर सेज दैट इट वॉज अ सेल डीड, ये सेल डीड थी। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है इट वॉज अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं इट वॉज अटर ह्यूमन राइट वायलेशन। सम स्कॉलर सेज दैट इट यू कैन से अनदर फॉर्म ऑफ स्लेवरी। सो वाई इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सेल ऑफ सेल डीड बाय सम स्कॉलर्स? नंबर वन, द ब्रिटिश अपीयर टू बी रिवार्डिंग गुलाब सिंह फॉर हिज स्ट्रेटेजिक एम्बीवेलेंस। तो गुलाब सिंह ने कोई जो है वो डिसीजन नहीं लिया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट एंग्लो वॉर एंड द नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। द सेल ऑल्सो मे हैव बीन रिजल्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ प्री वॉर डील, जैसे हमने डिस्कस किया था कि गुलाब सिंह ऑलरेडी ज्वाइन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, विद हेनरी लॉरेंस एज अ पॉसिबल इंटरमीडिएटरी, ये ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी थी। नंबर थ्री, सर्टनली बोथ ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन हुई, सेल डीड हुई, दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट को और गुलाब सिंह को भी फायदा हुआ। गुलाब सिंह जो है ही फर्दर्ड, यू कैन से दैट हिज कंक्वेस्ट, ही रिमेन और हिज फैमिली ऑक्यूपाइड द एरिया फॉर नियर अबाउट 100 ईयर्स। द लूजर्स वर सिख्स एंड द पीपल ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स। फॉर कश्मीरी द मेजोरिटी ऑफ वर द मेजोरिटी ऑफ हुम वर मुस्लिम्स, कश्मीर वॉज सोल्ड लाइक कश्मीरीज, यू कैन से दैट कश्मीरीज वर सोल्ड लाइक शीप्स एंड गोट्स। कश्मीरियों को जो है भेड़ बकरियों की तरह भेजा गया, बेचा गया इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। द सेल डीड वॉज कोल्ड हार्ड रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन इन विच कश्मीरीज वर नेवर अलाउड टू ऑफर अ बिड। तो कश्मीरियों का वहां पे कोई रोल नहीं था। सो अलॉन्ग विद द टेरिटरी द पीपल वर ऑल्सो सोल्ड, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन इट वॉज क्रिटिसाइज। द ऑक्शन ऑफ कश्मीर इन अमृतसर शेल स्टे एज अ स्कार ऑन द फेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन विच टूडे टेक्स, जो ब्रिटेन आज की डेट में क्या करता है, विच टूडे टेक्स द क्रेडिट फॉर हैविंग फर्निश द वर्ल्ड विद अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड पब्लिक फ्रीडम एज पर सम हिस्टोरियंस। और कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये ब्रिटेन की हिस्ट्री पे जो है एक काला धब्बा है, एक बहुत बड़ा निशान है, जो ऐसी बड़ी पावर जो है जो अपने आप को क्लेम करती है कि उसने वर्ल्ड को जो है सेंस ऑफ डेमोक्रेसी और पब्लिक फ्रीडम दी, ओके। सो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई ब्रिटिश चूज नॉट टू डायरेक्टली रूल द एंड एडमिनिस्टर कश्मीर। ब्रिटिश ने डिनवाइट दे डिड नॉट रूल कश्मीर डायरेक्टली, खुद क्यों नहीं किया उन्होंने डायरेक्टली, ओके। एंड द मोस्ट ऑब्वियस रीजन वॉज यू कैन से दैट इमीडिएसी देवर इन यू कैन से दैट देवर इन हरी। द ईस्ट इंडिया कंपनी सिंपली वॉन्टेड नीडिड मनी, इट ऑब्टेन ऑफ फ्रॉम सेलिंग कश्मीर टू गुलाब सिंह बिकॉज इट वॉज 1842 में जो है इंडिया और यू कैन से दैट एंटायर रीजन वॉज अंडर द ट्रेडिंग कंपनी, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहां पर अभी तक क्राउन, देर वॉज नो सीन ऑफ क्राउन, क्राउन बिल्कुल नहीं था। सो फॉर देम जो है इट वॉज अ ट्रांजेक्शन, दे एक्टेड लाइक अ कंपनी, दे एक्टेड लाइक अ बिजनेसमैन, ओके, टू मीट द हैवी कॉस्ट इन द रिसेंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इन पंजाब। पर्टिकुलरली दीज कॉस्ट केम एज ऑफ द डिजास्टर एक्सपेंसिव इन अफगानिस्तान कंपेन।
जैसे अफगानिस्तान में ब्रिटिशों को बड़ा नुकसान हुआ था 1839 में. जो उनको नुकसान जो है उसकी अभी तक भरपाई नहीं हुई थी. सो दे वर लुकिंग फॉर मनी एंड अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स दे वर इन नीड ऑफ मनीस. दे आल्सो यू कैन से दैट फेस्ड अ लॉट ऑफ लॉसिस ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार. मोर ओवर सिख्स वर नॉट एबल टू पे द ह्यूज अमाउंट आर ऑल वॉर इंडेमनिटी दैट वॉज अराउंड 1.5 करोड़. सो दे वर लुकिंग इमिजिएटली जो है सेल आउट कर दिया उसने. देन नंबर टू, मनी वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी परसुइंग प्रॉफिट फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी दैट सीमली ऑफर लिटर ऑब्वियस ट्रेड रिसोर्सिस एंड मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज. सो ब्रिटिशर्स देवर ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द ट्रेड परस्पेक्टिव कश्मीर जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर रिसोर्सेज एंड देर इज वेरी फ्यू मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज. सो दे एक्टेड लाइक अ टिपिकल ट्रेडिंग बॉडी, दे एक्टेड लाइक अ टिपिकल बिजनेसमैन. एक व्यापारियों की तरह उन्होंने बिहेव किया एंड दे सेल आउट. एंड दे बिलीव दैट इट इज नॉट वाइज टू रूल इट डायरेक्टली. अ फर्दर रीजन वाई कश्मीर ब्रिटेन ब्रिटिश डिडेंट रूल कश्मीर डायरेक्टली मे बी दैट दे डिड नॉट फुली नो और अंडरस्टैंड वट दे आर गिविंग आर रिलिंक्विशिंग. एज वन ब्रिटिश लेटर पुट इन, कश्मीर इमेंस वैल्यू टू अस वॉज नॉट रियलाइज एट दैट टाइम. दे वर नॉट अवेयर अबाउट द जोग्राफी ऑफ कश्मीर, दे वर नॉट अवेयर अबाउट द अदर इम्पॉर्टेंट यू कैन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कश्मीर. सो दैट वॉज मे बी एक जल्दी में लिया हुआ डिसीजन था ये. हेनरी लॉरेंस सर्टनली बिलीव दैट गुलाब सिंह वॉज द ओनली पर्सन विद द एबिलिटी एंड द मीन्स ऑफ इस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रांग एंड बेनिफिशियल गवर्नमेंट इन द नॉर्दर्न हिल्स बाई विच लॉरेंस मेंट जम्मू एंड कश्मीर रीजन. तो उनको भी लगा जो है गुलाब सिंह जो है एक अप्रोप्रिएट चॉइस है. गुलाब सिंह एक बड़ा ही वफादार आदमी है. गुलाब सिंह जो है ऑलरेडी जो है सिखों को धोखा दे चुका था. गुलाब सिंह जो है वो उनका एक बड़ा वफादार रहा आने वाले सालों में भी. तो उन्होंने बोला जो है गुलाब सिंह जो है इट इज ही वॉज एन अप्रोप्रिएट चॉइस. सो लाइक द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, सो देर आर सर्टन अदर ट्रीटीज. सो लेट अस डिस्कस सर्टन इंपॉर्टेंट केसेस. सो देर वॉज अनदर ट्रीटी, यू कैन ड्रॉ अ पैरल ओवर फ्रॉम हियर. सो देर वॉज अनदर ट्रीटी दैट इज द ट्रीटी ऑफ कलकत्ता 1761. ये मीर कासिम और इंग्लिश के बीच में साइन हुई थी. व्हाई आई एम डिस्कसिंग दीज ट्रीटीज, उसका रीजन ये है जो क्रिटिसाइज किया जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर लाइक दैट इट वाज अ सेल डीड. सो लाइक प्रीवियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ऐसी बड़ी सारी ट्रीटीज जो है वो साइन कर चुकी थी. सो कुछ प्रोविजन जो है यहाँ पे कॉमन है. सो दैट वॉज दिस ट्रीटी दैट इज द ट्रीटी ऑफ कलकत्ता 1760. इट वॉज साइन बिटवीन मीर कासिम एंड इंग्लिश. इस ट्रीटी के प्रोविजन क्या थे? मीर कासिम को जो है एनुअल कुछ अमाउंट ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा एज अ टोकन ऑफ सुप्रीमेसी, टोकन ऑफ देयर सुप्रीमेसी. इट वाज एग्रीड दैट मीर कासिम्स एनिमीज वर द कंपनीज एनिमीज एंड हिज फ्रेंड्स वर द कंपनीज फ्रेंड्स. लाइक जैसे हमने डिस्कस किया इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, गुलाब सिंह का जो दुश्मन है कंपनी का दुश्मन है, कंपनी का जो दोस्त है वो गुलाब सिंह का दोस्त है. मीर कासिम एग्री टू सीड द कंपनी द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिट्टागोंग. तो कहने का ये मतलब है कि कुछ ट्रीटीज ऐसी पहली साइन हुई हैं उसके कुछ प्रोविजन जो है वो अमृतसर की ट्रीटी से मिलते हैं. सो देर वॉज अनदर ट्रीटी दैट इज द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम बिटवीन टीपू सुल्तान एंड इंग्लिश. यहाँ पे क्या प्रोविजन थे? अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ टेरिटरी को एक्सचेंज किया. लाइक वाइज जैसे उन्होंने पंजाब स्टेट से लिया और गुलाब सिंह को दिया, सो लाइक वाइज यहाँ पे क्या हुआ, टीपू सुल्तान हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मैसूर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम, निजाम वॉज गिवन सर्टन एरियाज नियर बाय तुंगभद्रा रिवर. और निजाम, सॉरी यहाँ पे मराठास आएंगे, सॉरी मराठास वर गिवन सर्टन एरियाज नियर बाय तुंगभद्रा रिवर एंड निजाम्स वर आल्सो अवॉर्डेड सर्टन एरियाज. टीपू सुल्तान अनेबल टू पे दिस मच अमाउंट, उस पे दे इम्पोज 3.3 करोड़ ऑन टीपू सुल्तान. वॉज रिक्वायर्ड टू सरेंडर सर्टन एरियाज लाइक द ब्रिटिशर्स लाइक सिक्स वेन दे वर नॉट एबल टू पे 1.75 करोड़. वट दे डिड, दे सरेंडर सर्टन एरियाज नॉट टू रिक्रूट एनी फॉरनर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंग्लिश. जैसे हमने आर्टिकल 7 डिस्कस किया कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जो है गुलाब सिंह कोई भी जो है चीज जो है वो भी कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं करेगा. तो कहने का ये मतलब है ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है जिस दौर में साइन की गई, सो दैट टाइम वॉज डिफरेंट.
उस टाइम पीरियड में द सिचुएशंस वर वेरी मच कॉमन फॉर सच काइंड ऑफ ट्रीटीज. टेरिटरीज वर एक्सचेंज्ड, वॉर इंडेमनिटी वर इम्पोज्ड, बट दैट वॉज क्वाइट डिफरेंट. वाई इट वॉज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट? बिकॉज लेटर ऑन जो है, देर वॉज, यू कैन से दैट देर वॉज डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास विज अ विज टू द कश्मीरी पीपल. सो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी हार्श ऑन द पार्ट ऑफ द गुलाब सिंह और ऑन द पार्ट ऑफ द डोगरा रूल. बट लेटर ऑन जो है, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है, उसको ज्यादा क्रिटिकली, वेल, ज्यादा क्रिटिकली हाईलाइट किया गया, एक्सपोज किया गया व्हेन देयर वाज राइज ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला. सो जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का राइज हुआ, और यू कैन से दैट देयर वाज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन कश्मीर, और यू वहां पे जो आपकी जो लोकल मूवमेंट चली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, सो दे क्रिटिसाइजेस द वेरी बेसिक ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर. दे सेड वी वर सोल्ड लाइक शीप्स एंड गोट्स. इवन आफ्टर द 100 ईयर्स, आफ्टर द 100 ईयर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इन 1946 देर वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, दैट वॉज अ क्विट कश्मीर मूवमेंट. सो द जेनेसिस ऑफ द कश्मीरी मूवमेंट अगेंस्ट द महाराजा दैट लाइज विद 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 यू कैन से दैट डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर. बट इन द अदर वे यू कैन से दैट देर वॉर सो मेनी अदर ट्रीटीज लाइक ट्रीटी ऑफ कलकत्ता, ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम, इवन दिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो आपका 60-65 में साइन हुई थी बिटवीन औरंगजेब एंड शिवाजी. यहाँ पे शिवाजी को कुछ टेरिटरी सरेंडर करनी पड़ी, यहाँ पे शिवाजी को बोला गया कि भाई उसको उसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा जैसे मुगल एम्पायर चाहता. इवन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी जर्मनी को, जो है, इट वॉज क्वाइट डिस्क्रिमिनेटरी ऑन द पार्ट ऑफ यू कैन से दैट द वर्ल्ड पावर्स अगेंस्ट द जर्मनी. सो दीज थिंग्स वर कॉमन. ओके, सो लेट अस मूव फर्दर. सो वट वॉज द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर? वाई ट्रीटी ऑफ अमृतसर इज कंसिडर टू बी इंपॉर्टेंट? विद द ट्रीटी ऑफ अमृतसर डोगरा रूल वॉज इस्टेब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर एंड गुलाब सिंह बिकेम द फर्स्ट महाराजा ऑफ द स्टेट. ओके, सो डोगरा रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो गया. सो दैट वॉज अ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर. प्रायर टू एक्वायरिंग कश्मीर, जम्मू एरिया वॉज वेल नोन टू द लाहौर दरबार ओनली. जम्मू एरिया को कोई नहीं जानता था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद. आफ्टर एक्वायरिंग कश्मीर द रेपुटेशन ऑफ गुलाब सिंह एनलार्ज large state of Jammu and Kashmir grew remarkably throughout the India. Jammu and Kashmir jo hai, it became very popular, and Gulab Singh jo hai, he was considered to be one of the most prominent Maharaja or one of the most prominent Indian you can say that prince. Jammu and Kashmir was considered to be one of the most prominent Indian princely state at that time, and of course during the 1947 Jammu and Kashmir was one of the biggest state. In fact, it was the biggest state. So it was led to the unification of three parts of the modern state. Aaj ki date mein it is union territory, that is Jammu, Kashmir and Ladakh, and finally in due course J&K would become the India's largest princely state and one of the most important, particularly strategically point of view se Jammu Kashmir jo hai, it is very very important. So Treaty of Amritsar jo hai, it is very very important. So with the like, subscribe and share at least with 100 people, thank you so much. This is me, Kashyap Sharma, and you are watching History Fox channel. Thank you so much, and Jai Hind, and take care.